आइए जी, आज की नेक्स्ट टीम, चार टीम्स हो गई हैं, हमारी पांचवी टीम है टीम स्नैपर्स। आइए, क्या हाल है भाई शैज़? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शैज़। तो आप सबको याद ही होगा कि ये कमाल का प्लेयर है और ये चैंपियन भी बन चुका है, और मेरे ख्याल से लड़कों में सबसे ज्यादा मर्तबा रॉकी भी शैज़ ही बना है, अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा ही है। शैज़ को बनाया गया है टीम स्नैपचैट जो होती है, हमने उसका नाम शॉर्ट करके स्नैपर्स रख दिया, तो इसलिए हमारी तरफ से ये टीम स्नैपर्स कैसा है, और ये पहली बार टीम स्नैपर्स कैसा है, उसका साथ देने के लिए आई है इरज। मेरे शो में फर्स्ट टाइम आई है, लेकिन मैंने सुना ये है कि इरज जो है बहुत अच्छा खेलती है। मेरे ख्याल से गेम शो पाकिस्तानी का आप हिस्सा रहे हो। जी, मैं काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी थी और मैं इंशाल्लाह प्रूफ करके दिखाऊंगी। माइक करीब करके बोलो। मैं कह रही हूं इंशाल्लाह मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी और सोचा है कि रॉकी भी बनूं। अरे वाह, जबरदस्त बात हो गई, ये तो हंसने की बात नहीं है। गाइज, मुझे ऐसे प्लेयर्स बड़े पसंद आते हैं जो शुरू में आगे बोले कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, सिर्फ गेम शो का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं जीत के झंडे गाड़ के जाऊँगा। और ये जो आदमी खामोश खड़ा है ना, ये एक स्लो पॉइजन टाइप की चीज़ है, ये ऐसा साइलेंट वेपन है कि ये खामोशी से तुम लोगों को हराता हुआ निकल सकता है। और मज़े की बात यह है, इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसकी दोस्तियाँ भी ख़राब नहीं होती हैं। जैसा ये पहले दिन होता है सबके साथ, ये आखिरी दिन भी वैसे ही होता है और जीत के चला भी जाता है। इसलिए इसके साथ इस बार मैंने एक नई प्लेयर दी, और मैं ये देखना चाहूंगा कि शायद अब तुम इसके साथ यहाँ चैंपियन बनते हो या नहीं। अगर तुम यहाँ चैंपियन बन गए इस लड़की के साथ इन सब पुराने प्लेयर्स के दरमियान, तो तुम सही मायनों में फिर रॉकी भाई कहलाओगे। आ जाओ जल्दी से रॉकी भाई। थैंक यू सर। चलिए जी, ये टीम स्नैपर्स थी हमारी। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जिदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।